हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत। आज की वीडियो में हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत है, किस प्रतिपादक ने किस सिद्धांत को दिया है। दोस्तों, आज के वीडियो के अनुसार हम बहुत ही आसानी से बुद्धि के सिद्धांतों को जान सकते हैं और उन्होंने कौन कौन सी योग्यताओं के बारे में बात की है। दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, चलिए चलते हैं बुद्धि के सिद्धांत की तरफ। कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत है दोस्तों? अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बुद्धि के सिद्धांत बताए गए हैं। कौन कौन से? बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत और त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं बुद्धि के। तो सबसे पहले हम चलते हैं बहुकारक सिद्धांत। किसने दिया है दोस्तों बहुकारक सिद्धांत? गार्डनर ने दिया है। इसके जो प्रतिपादक है गार्डनर है दोस्तों। ये सिद्धांत को प्रतिपादन कर इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि इन्होंने बुद्धि की विभिन्न योग्यताओं के बारे में बताया है, विभिन्न कारकों के बारे में बताया है। गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि क्या है? विभिन्न कारकों का समूह है, यानी कि विभिन्न कारकों की योग्यता है जो व्यक्ति में बुद्धि है। वह बुद्धि क्या है? विभिन्न कार्यों की योग्यता, यानी कि विभिन्न क्षमताओं की योग्यता बताई है इन्होंने। गार्डनर ने कहा है कि प्रत्येक बुद्धि में, प्रत्येक बुद्धि क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि 10 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कौन कौन सी बुद्धि बताई है इन्होंने? भाषा बुद्धि इन्होंने 10 कारक बताए हैं दोस्तों बुद्धि के। गार्डनर जी ने कौन कौन से हैं? भाषा बुद्धि दूसरी बताई है, संगीत बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि। उसके बाद इन्होंने बोला है तार्किक, यानी कि तर्क करने की योग्यता को इन्होंने क्या कहा है? तार्किक बुद्धि। उसके बाद इन्होंने बताई दोस्तों स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि। गार्डनर जी ने निम्न प्रकार के कारकों को बताया है, भाषा बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृति बुद्धि, यानी कि प्रकृति को पहचानने वाली बुद्धि, प्रकृति के बारे में जो तर्क कर सकती है उस बुद्धि को उन्होंने प्रकृति बुद्धि किया है, अध्यात्मवादी बुद्धि, जो अध्यात्म को मानता है, यानी कि अध्यात्म का ज्ञान रखता है उसको आध्यात्मिक बुद्धि बोला है, अध्यात्मवादी बुद्धि बोला है उन्होंने। गति संवेग बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। दोस्तों, ये 10 प्रकार की योग्यता को, यानी कि 10 प्रकार की इन्होंने बुद्धि के कारक बताए हैं, भाषा बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृति बुद्धि, आध्यात्मिकवादी बुद्धि और गति संवेग बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। दोस्तों, इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार उन्होंने बुद्धियों को इकट्ठा कर और बुद्धियों को क्या है, एक साथ मिलाकर उन्होंने बहुबुद्धि कारक का सिद्धांत बना दिया है दोस्तों। यानी कि भाषा बुद्धि, जिस व्यक्ति में भाषा, यानी कि कोई अच्छी योग्यता भाषा में रखता है, यानी कि कोई वार्तालाप की अच्छी योग्यता रखता है तो उन्होंने भाषा बुद्धि उसको दे दिया। संगीतात्मक बुद्धि, किसी सृजनात्मक योग्यता जिसके अंदर है, जो सिंगर्स है हम कह सकते हैं सिंगर्स के अंदर संगीतात्मक बुद्धि होती है। तार्किक बुद्धि हम कह सकते हैं जो मैथ के प्रोफेसर होते हैं, गणना संबंधी जानकारी अच्छी रखते हैं, वो तार्किक बुद्धि उनमें होती है। शारीरिक गति बुद्धि हम कह सकते हैं जैसे हमारे प्लेयर्स हो गए, जो हमारे खिलाड़ी हैं, खेलते हमारे देश के लिए। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्रकृति बुद्धि, जो प्रकृति के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। आध्यात्मिक बुद्धि हम कह देते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है दोस्तों। तो विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के उन्होंने कारक बताए हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग, इसका पूरा नाम है
किसने दिया है दोस्तों? रॉबर्ट ने दिया है। स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग का पूरा नाम है दोस्तों, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। इन्होंने बुद्धि के तृतीय सिद्धांत में तीन प्रकार की बुद्धियां बताई, यानी कि तीन प्रकार के कारक बताए, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक बुद्धि। रॉबर्ट ने विश्लेषणात्मक बुद्धि बताई है। दूसरी बताइए दोस्तों, व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। फिर बताइए इन्होंने रचनात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि। रॉबर्ट ने तीन प्रकार के कारकों को शामिल किया है दोस्तों, कौन कौन से? विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और रचनात्मक बुद्धि। ये इनके सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत कहता है कि बुद्धि क्या है? विश्लेषणात्मक है, व्यवहारिक है, रचनात्मक है। इन्होंने तीन प्रकार के कारकों को बताया है रॉबर्ट जी ने। उसके बाद आता है दोस्तों बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, अल्फर्ड विने द्वारा प्रतिपादन किया गया है दोस्तों। अल्फर्ड विने ने यह सिद्धांत दिया है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दोस्तों इन्होंने अखंड अविभाज्य बताया है, यानी कि इन्होंने कहा है एक कारक सिद्धांत कि यदि व्यक्ति में किसी एक योग्यता है, कोई एक योग्यता है, वह किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में योग्यता रखता है तो क्या है, उन्होंने बोला अगर वो किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में योग्यता रखता है तो अन्य क्षेत्र में भी वह क्या है, योग्य है। उन्होंने एक योग्यता के साथ और योग्यताओं को जोड़ा है, उन्होंने बुद्धि की बुद्धि को एक योग्यता का एक योग्यता बताई, यानी कि व्यक्ति में जो एक योग्यता है उस योग्यता के साथ अन्य योग्यता रखा है तो उन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है अल्बर्ट विने ने, और बुद्धि को अखंड और अविभाज्य बोला है। इन्होंने क्या बोला है दोस्तों? अखंड और अविभाज्य बोला है इन्होंने, अविभाज्य। यानी कि यह मतलब कि अगर एक प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर है, किसी एक योग्यता को अपने अंदर रखता है, एक विशिष्ट योग्यता को अंदर रखता है, वह अन्य क्षेत्रों में भी क्या है, योग्य है। उसके बाद है दोस्तों बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत दोस्तों स्पेयरमैन ने दिया है। इन्होंने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत बताए, एक सामान्य बुद्धि बताई है, दूसरी बताइए दोस्तों इन्होंने विशिष्ट बुद्धि। एक है कौन सा? सामान्य बुद्धि। दूसरा बताया इन्होंने दोस्तों विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। इन्होंने बुद्धि के दो कारक बताए, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, दो फैक्टर है दोस्तों। सामान्य बुद्धि दोस्तों क्या है? सामान्य बुद्धि क्या होती है दोस्तों? जन्मजात होती है, जन्मजात होती है और हमारे वंशानुगत लक्षणों से हमें प्राप्त होती है। वह बुद्धि कौन सी है? सामान्य बुद्धि। और जिसे हम अर्जित करते हैं या हम सीखते हैं, हम कह सकते हैं अर्जित करते हैं, वह बुद्धि विशिष्ट बुद्धि कहलाती है। यानी कि हमने उसको ग्रहण किया है, अपने वातावरण में आकर ग्रहण किया है, तो विशिष्ट बुद्धि दोस्तों। बहुकारक सिद्धांत दोस्तों दिया है थॉर्नडाइक ने। चलिए बहुकारक सिद्धांत किया किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। बहुकारक सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, विभिन्न बुद्धि के विभिन्न कारणों को शामिल करके इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने बुद्धि ही नहीं, मानसिक क्रिया नहीं एवं इन्होंने शारीरिक क्रियाओं को भी बताया है, जैसे आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों को समावेश किया है। यानी कि इन्होंने क्या किया है, इंटेलिजेंस के साथ हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट भी इन्होंने उसको शामिल किया गया है। कह रहे हैं बुद्धि क्या है? विभिन्न कारकों का समूह, यानी कि विभिन्न कारणों को इन्होंने शामिल किया है, जिसमें आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि को इन्होंने समावेश किया है दोस्तों। एक चीज और है कि बहुकारक सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? परमाणुवादी सिद्धांत, वादी सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। यदि आ जाएगी परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया है, तो हम सीधा बोल देंगे थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक का जो जो सिद्धांत है उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? परमाणुवादी सिद्धांत दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। समूह कारक बुद्धि सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है दोस्तों। इन्होंने बुद्धियों के समूह को समावेश किया है, यानी कि इन्होंने विभिन्न प्रकार की योग्यताओं को बुद्धि कहा है और उन बुद्धियों का एक समूह बनाया है, जिसमें निम्न प्रकार के कारक है या निम्न प्रकार की बुद्धियां या योग्यताएं बताई है, जैसे कि शाब्दिक योग्यता, दैसिक योग्यता,
आंकिक योग्यता, योग्यता स्मृति, योग्यता स्मृति, योग्यता शब्द प्रवाह, योग्यता और तार्किक योग्यता, तार्किक योग्यता या तार्किक बुद्धि या शक्ति। इन्होंने एक समूह में इन सारी योग्यताओं को रखा है और समूह कारक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थर्स्टन ने कहा है बुद्धि क्या है, शाब्दिक योग्यता है, दैसिक योग्यता है, आंकिक योग्यता है, स्मृति योग्यता है, शब्द प्रवाह है और तार्किक बुद्धि है यानी कि तार्किक शक्ति है। इन्होंने इन सारी योग्यताओं का क्या करा, एक समूह बनाया और एक समूह कारक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादन किया जिसमें क्या है समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत यानी कि बुद्धियों का समूह बनाकर समूह कारक सिद्धांत को प्रतिपादन किया है थर्स्टन द्वारा है दोस्तों। इसके प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन है दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत क्या है दोस्तों, गिलफोर्ड द्वारा दिया है। इन्होंने बुद्धि को ऐसे विश्लेषित किया है हम कह सकते हैं, इन्होंने बुद्धि को क्या करा है यानी कि मानसिक क्रियाओं को इकट्ठा करके इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने तीन प्रकार यानी कि तीन कारक खोजे हैं बुद्धि की, कौन कौन से हैं, एक तो है विषय वस्तु, विषय वस्तु, दूसरा है दोस्तों संक्रिया, फिर है उत्पाद। ये तीन प्रकार की इन्होंने क्रियाएं बताई है, मानसिक क्रियाएं हम कह सकते हैं, तीन प्रकार के कारक बताए हैं जो इन्होंने बुद्धि का त्रितंत्र या त्रियामी बुद्धि यानी कि त्रियामी बुद्धि, इन्होंने तीन आयाम को इकट्ठा करके इन्होंने क्या त्रियामी बुद्धि बनाई है या त्रियामी बुद्धि का प्रतिपादन किया है। कौन कौन सी है, नंबर एक विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पादक। दोस्तों त्रियामी बुद्धि में जो विषय वस्तु इन्होंने कहा है, विषय वस्तु क्या कहा है, जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं उस समाधान को करने के लिए हमारी मानसिक जो हमारी विषय वस्तु यानी कि हमारा जो मटेरियल रहता है, हमारी जो सामग्री रहती है मानसिक क्रियाओं से अगर हम कार्य करते हैं तो सामग्री कौन सी रहती है, कौन कौन सी हमारी सामग्री सम्मिलित होती है दोस्तों। जैसे हो गया हमारे कान, मतलब आंख हो गई हमारी दृष्टि, श्रवण, दृष्टि हो गई, श्रवण हो गई, इस प्रकार से दोस्तों क्या है सांकेतिक हो गई, सांकेतिक ये हमारी क्या है विषय वस्तु है। जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं दृष्टि से हम देखते हैं, श्रवण से सुनकर यानी कि दोनों पक्ष की बात सुनकर सांकेतिक हम उनको क्लू देते हैं और क्या है कोई अपनी विषय वस्तु बनाते हैं किसी समस्या समाधान पर। संक्रिय उन्होंने कहा है दोस्तों, संक्रिय क्या है यानी कि जो क्रिया चल रही है, कौन कौन सी क्रिया चलती है जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। सबसे पहले चलती है दोस्तों स्मृति यानी कि हमारी बुद्धि यानी कि हमारा सोचना, स्मृति याद करना, हमारा चिंतन। चिंतन हम निम्न प्रकार से करते हैं, तार्किक चिंतन हो गया, मूर्त चिंतन हो गया, मूर्त चिंतन हो गया। उसके बाद आ गया दोस्तों हमारा मूल्यांकन, मूल्यांकन करते हैं हम उस कार्य को करने के बाद जब हमारी समस्या का समाधान हो जाता है तत्पश्चात हम क्या करते हैं मूल्यांकन करते हैं। तो संक्रिया में उन्होंने कहा है कि स्मृति, चिंतन और मूल्यांकन। उत्पाद में उन्होंने कहा है वर्ग, इकाई और संबंध को रखा है इन्होंने दोस्तों। तो इन्होंने इस प्रकार से क्या है त्रियामी बुद्धि सिद्धांत दिया है, त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने, बताया है कि बुद्धि क्या है तीन प्रकार की आयामी कार्य, जो तीन प्रकार से आयामी कार्य करती है वह बुद्धि है और त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत दिया है जिसमें विषय वस्तु, संक्रिय और उत्पादन को शामिल किया है दोस्तों। बहुत ही अच्छे से और आसानी से आप समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, गार्डनर ने दिया। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट ने दिया है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फर्ड विले ने दिया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पेरेमैन ने दिया। बुद्धि कारक बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का थॉर्नडाइक ने दिया। और हम याद रखेंगे कि परमाणु वादी सिद्धांत भी बोला जाता है जो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया है। बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, त्रियामी बुद्धि सिद्धांत को बहुसंरचनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुसंरचनात्मक बुद्धि का सिद्धांत,
यानी कि त्रयामी बुद्धि सिद्धांत को बहुसंरचनात्मक बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है और बहुसंरचनात्मक मॉडल सिद्धांत भी कहा जाता है। मॉडल सिद्धांत जहां आ जाए वहां ध्यान रखना, गिलफोर्ड का त्रयामी बुद्धि सिद्धांत का दूसरा नाम है दोस्तों। ये थी हमारी आज की, जो हमारा टॉपिक था दोस्तों, बुद्धि के बारे में जाना, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। धन्यवाद।